हेलो माय फैमिली, मैं प्रकाश चक्रवर्ती स्काई फिटनेस दूसरे तो आप सभी के लिए आज का फिर से मैं रूटीन ट्रेनिंग चेस्ट वर्कआउट लेके आ चुका हूँ। तो आप सब तैयार हो जाइए इसे परफॉर्म करने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा आज का भी ट्रेनिंग हमारा। और जितने भी नए भाई देख रहे वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को हिट करना, ताकि आप लोग भी यार हमारे साथ मिलकर एक नेचुरल मसल बिल्डिंग गोल वर्कआउट के थ्रू अचीव कर सको। देखो यार, मैं ये हमेशा इसलिए बोलता हूँ वर्कआउट के थ्रू अचीव कर सको, इसका जो मेन कारण है हमारा जो वर्कआउट है यार उस पर यार कोई भी अच्छे से ना गौर करता ही नहीं है। उसको सबको यही लगता है कि यार हमारा डाइट होना चाहिए, हमारा सप्लीमेंट्स होना चाहिए। बट मेरा मानना है कि भाई जब तक कि आपका एक डाइट और सप्लीमेंट वर्क तभी कर पाएगा आपकी बॉडी पे जब आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से होगी। और अगर आप उस मसल्स को अच्छे से टारगेट करके ट्रेन कर पाओगे तभी जाके यार एक अच्छी मसल बिल्डिंग गोल आप भी वर्कआउट के थ्रू अचीव कर पाओगे। इसलिए मैं आप लोगों के लिए सारे रूटीन ट्रेनिंग लेके आता हूँ, जिसमें हर वीक मैं अपने प्लान्स को चेंज करता हूँ। और वो प्लान चेंज करने का मेन कारण है जिससे यार मुझे तो बहुत मजा आता है ट्रेनिंग को परफॉर्म करने में, साथ में यार आप लोगों को भी धीरे धीरे मजा आने लगी जाएगा। और आप लोगों को यार दिल से धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए, लाइक्स करने के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना आज का चेस्ट वर्कआउट रूटीन स्टार्ट करते हैं, जो कि आज मैं थोड़ा डिफरेंट करूंगा। यहाँ पे हमारा बार डिप्स दिया हुआ है, तो इसी बार डिप्स में यार अपने बॉडी का सपोर्ट लेते हुए इस तरीके से अपने चेस्ट की चिनअप को मैं परफॉर्म करूंगा। जनरली मैं चेस्ट का चिनअप आप लोगों को दिखा चुका हूं, बट इसमें हम जो कई भाई और कई सिस्टर्स ऐसे रहते हैं जिनको परफॉर्म करने में दिक्कत जाती है, जो नहीं कर पाते, वैसे ये बैक में भी आता है जब आप ऐसे कर लेंगे तो। बट जब आप इस तरीके से अपने अपर चेस्ट के लिए इसको यूज करेंगे तो ये आपके चेस्ट में 100% अपना इफेक्ट दिखाएगा। बट आज का वर्कआउट यार ज्यादा हाई टेंशन नहीं दूंगा और ज्यादा रैप्स और ज्यादा सेट्स नहीं दूंगा, मगर रिजल्ट बहुत अच्छा दूंगा। तो प्लीज एंड तक बने रहना और वीडियो को अच्छे से वॉच करते हुए पूरे वर्कआउट को परफॉर्म करना। तो पहला मैंने आपको बता दिया चिनअप है। चिनअप के तुरंत बाद आप यहां पे बार डिप्स को ले लेंगे। एंड बार डिप्स में ज्यादा बार परफॉर्म नहीं करूंगा क्योंकि यार आज संडे था, मेरा रेस्ट डे। बट आप लोगों के प्यार के लिए यार मैं वीडियो को लेके आ रहा हूँ आप लोगों के पास, तो रेस्ट डे को भी थोड़ा बहुत रूटीन ट्रेनिंग वर्कआउट डे बना रहा हूँ मैं। तो यार सपोर्ट जरूर करना, वीडियो को अच्छे से देखना और लाइक और कमेंट करना मत भूलना, बहुत मेहनत लगती है। तो मैं ज़्यादा चिनअप नहीं मार के दिखा पाऊंगा आप लोगों को, सॉरी ज़्यादा मैं बार डिप्स का डिप्स नहीं मार पाऊंगा अभी क्योंकि यार मेरा आज रेस्ट डे है। बट मैं आप लोगों को बता दिया, फर्स्ट आप चिनअप लेंगे, सेकेंड फिर से दिखा दे रहा हूँ, इस तरीके से आगे झुकाएंगे चेस्ट को एंड देन अप। जो नॉर्मल मार सकते नॉर्मल, जो नहीं मार पाते वो यार सपोर्ट का यूज करते हुए परफॉर्म करें, क्योंकि देखो यार बॉडी वेट ट्रेनिंग का यार यूज नहीं करेंगे तब तक आपके पावर और स्ट्रेंथ कभी भी अच्छे से नहीं ग्रो पाएंगे। इसलिए पहले ही आप लोगों को वार्म अप सेट में ये सारी चीजों में रखता हूँ। ये हमारा दो वेरिएशन हो गया। तीसरा एज यूजुअल हम इस पुशअप को परफॉर्म करेंगे, फिर दैन पुशअप आपने वो देख लिया, फिर आपका ये वाला पुशअप, तो यहां पे आप लोगों को पुशअप के और जो बॉडी वेट ट्रेनिंग के वर्कआउट थे मैंने पूरे दिखा दिए। अब आप लोगों को परफॉर्म कैसे करना है ये समझाता हूं। तो स्टार्टिंग में आप यहां पे जो चिनअप मैंने आप लोगों को बताया था, ये चिनअप को आप 10 बार परफॉर्म करेंगे। 10 बार जैसे परफॉर्म करेंगे तुरंत आप फिर इस फॉर्म में इसे 10 बार परफॉर्म करेंगे, देन आप ये वाला पुशअप को 10 बार लेंगे एंड देन फिर इस पे पैर रख के पुशअप लेंगे 10 बार। तो ये चार वेरिएशन है, ये चार वेरिएशन को 10-10 करते हुए आपको सिर्फ दो सेट्स लेने। आज कोई तीन सेट्स नहीं होगा, दो सेट्स ही बहुत इफेक्टिव होगा और सारे वर्कआउट में हम आज सिर्फ दो सेट का ही यूज करने वाले। और हाँ थोड़ा सा रेस्ट बढ़ाऊंगा और हो सकता है थोड़ा बेंच और डंबल में भी वेट बढ़ाऊं, क्योंकि यार इतने दिन से आप लोगों को करवाते आ रहा हूं तो कॉमन सी बात है अब आप लोगों के पावर इंक्रीज हो चुकी होगी। और जब पावर इंक्रीज हो जाती है तो यार थोड़ा सा हमको वेट का यार लोड देना पड़ता है बॉडी को ताकि वो रिजल्ट अच्छा दे। बट बहुत सरप्राइजिंग ट्रेनिंग होने वाले आज के और आपको परफॉर्म करने में 100% मजा आएगा। बस यार वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और अच्छे से वॉच करते हुए अपने पूरे वर्कआउट को परफॉर्म करिएगा। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ दो सेट्स होने वाला है 10-10 करते हुए, मगर ये चारों को आप ऐड करेंगे तब एक सेट होगा। ऐसे दो सेट परफॉर्म कर लेना, यहाँ ओवरऑल बॉडी वेट ट्रेनिंग कंप्लीट होती है। अब चलिए हम अपने बारबेल और डंबल की तरफ चलते हैं, जो कि और भी एक्साइटमेंट वाले ट्रेनिंग आप लोगों के लिए मैंने
डिजाइन की है, परफॉर्म करके देखिएगा। चलिए, आप लोगों को यार मैंने बताया था कि आज से दो सेट्स यूज करने वाले हैं, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे डंबल से, जो कि इंक्लाइंड डंबल प्रेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे इस तरीके से इंक्लाइंड डंबल प्रेस 13 बार परफॉर्म करेंगे, और जैसे यहाँ पे आपका 13 बार परफॉर्म हो जाएगा, उसके बाद आप जैसे आपने इंक्लाइंड बेंच प्रेस में ले लिया, इंक्लाइंड बेंच प्रेस के बाद आप नॉर्मल बेंच प्रेस में आएंगे जो फ्लैट होगा, और फ्लैट में आप किस तरीके से लेंगे डंबल प्रेस को आपको दिखा दे रहा हूं मैं। ये आपने इस तरीके से लिया फ्लैट में, और याद रखिएगा कमर आपके उठे हुए रहने चाहिए एंड चेस्ट के नीचे आएगा डंबल ऐसे एंड अप। तो इसे भी आपने 13 बार परफॉर्म किया, ये दो आपके डंबल प्रेस के सेगमेंट हो गए। अब यहां पे हम मशीन ऐड करेंगे जो हमारे चेस्ट को एक्सट्रीम लेवल का पंप देने का काम करेगा। तो मशीन में मैं यार देखो दोनों को ना क्रॉस केबल को पहले बराबर मीडियम कर लूंगा। गौर से देखिए आप, ये मेरे यहां नीचे आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे इस बेंच में परफॉर्म करना है इसे। तो मैं इस तरीके से इसे बराबर करूंगा एंड देन ये, और इसे मैं 20 बार परफॉर्म करूंगा, ठीक। बट आप सबको ही मैंने बताया हुआ है कि मैं अपने वर्कआउट्स को हमेशा मिक्स करते हुए परफॉर्म करवाता हूँ, क्योंकि यार मुझे ऐसा लगता है कि हमारा मसल माइंड कनेक्शन बहुत अच्छे से एक्टिव हो पाता है जब हम ट्रेनिंग को एक साथ मिलाते हुए ट्रेन करते हैं, और इसमें हम अपने माइंड को यार अप्रोच करते हैं कि यार सही तरीके से परफॉर्म होगा कि नहीं होगा। क्योंकि देखो यार, आप वहाँ पर एक बार परफॉर्म किए, एक बार यहाँ किए, फिर एक बार यहाँ किए, तो ऐसे आप जब करते हैं तो यार टारगेट तो आपका होना ही है चेस्ट, बट वहाँ पर आप अपने जब बॉडी के जो चेंज पॉस्चर होते हैं उसे आप चेंज करते हैं, तो उसमें आप लोगों को यार एक चीज है ना बहुत अच्छा लगता है, वो है कि यार फॉर्म आप चाह के भी गलत नहीं करोगे, और वहां पे आपका मसल माइंड कनेक्शन प्रॉपर तरीके से एक्टिव हो पाता है। और यहाँ तो यार मैंने आप लोगों के लिए दो सेट्स के मतलब दो सेट्स ही देने वाला हूँ, जैसे मैंने आपको परफॉर्म करके दिखाया इंक्लाइन बेंच, फ्लैट बेंच एंड देन मशीन। तो ये तीनों को हम मिक्स करते हुए एक सेट परफॉर्म करेंगे, ऐसे सिर्फ दो सेट परफॉर्म करेंगे। तो ये जो दो सेट आप परफॉर्म करेंगे, यहाँ पे मैं आप लोगों से वेट शेयर करता हूँ जो आपको 13-13 बार ही परफॉर्म करना है। सीनियर 17 और 20 किलो का डंबल यूज कर लेंगे दोनों में, और यहाँ मशीन आप अपने हिसाब से वेट ले लीजिए, मशीन 20 बार है, ठीक है। और यहाँ पे फिर आ जाते हैं हम हमारे इंटरमीडिएट की तरफ, और इंटरमीडिएट आपका वेट होगा 15-17 किलो इंक्लाइंट में भी और फ्लैट में भी, और यहाँ पे आप 20 बार ले लेंगे। और यहाँ पे आ जाते हैं फिर जूनियर की तरफ, तो जूनियर आपका वेट होना चाहिए यहाँ पे अप्रॉक्स 12-15 किलो। अगर ज्यादा लगता है, देखो वेट आप लोग कम ज्यादा कर सकते हो, मेरा एक अंदाज है, बट दोनों में आपको जैसे बता रहा हूँ जूनियर हो गया इंटरमीडिएट हो गया, तुम लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं, बट एक अंदाज वेट है जो मैं अपने जिम में देता हूँ। तो यहाँ पे आप 12-10 किलो के अंदर में दोनों जगह पे ले लीजिए, या 10-15 तक ले लीजिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। बट यहाँ आप बिगनर की तरफ आते हैं, तो बिगनर्स आप लोगों को भी 10-12 किलो का डंबल यूज करना है इंक्लाइंट में और फ्लैट में, और मशीन 20 बार है। बट तीनों को जब आप परफॉर्म करेंगे तब एक सेट होगा, ऐसे ही आप लोगों का दो सेट परफॉर्म करना है आप लोगों को तीनों को इंक्लूड करते हुए। तो यहाँ पे हमारा इंक्लाइंड डंबल प्रेस होता है, और जैसे इंक्लाइंड डंबल प्रेस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर अब हम मशीन में कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यार देखो मेरे पास कोई बंदा तो है नहीं जो मेरे को वीडियो बना के दे, बट मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में जितना हो सके अच्छे से आप लोगों को समझाते हुए पूरे वर्कआउट को कंप्लीट कर पाऊँ। तो यहीं पर मैं अब स्टार्ट करूँगा उल्टा। दो राउंड हो गए मेरे, दो सेट्स कंप्लीट हो चुके हैं। दो सेट्स कंप्लीट होने के बाद मैं अब क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे इसको ऊपर कर लूंगा क्रॉस केबल को, और इस तरीके से मैं ये मशीन का इसको मैं इस पर कुछ लगा नहीं रहा हूँ, नॉर्मल ये बॉल्स को पकड़ा हुआ है एंड देन ये, जिससे मेरा एक तो फॉर्म भी बहुत जबरदस्त होगा और बहुत अच्छे से टारगेट होगा चेस्ट में, ठीक। तो इसे मैं पहले 20 बार परफॉर्म करूंगा, बट मैं वो दो सेट कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। तो ये हमारा 20 बार जैसे परफॉर्म हो जाएगा, फिर मैं आऊंगा फ्लैट बेंच पे, अपने डंबल फ्लाई को इस तरीके से परफॉर्म कर लूंगा, और यहां जैसे ये फ्लैट बेंच पे परफॉर्म हो जाएगा
उसके बाद हम तो फ्लैट बेंच में जैसे ही हमारा परफॉर्म हो जाएगा डंबल फ्लाई, उसके बाद हम ऐसे डिक्लाइन करेंगे बेंच को एंड देन फ्लाई, ये इस तरीके से मैं ये दूसरा फ्लाई परफॉर्म करूंगा जो कि 13-13 बार होगा। तो 13-13 बार मैं डंबल फ्लाई को परफॉर्म कर लूंगा, यहां पे मैं 13-13 बार ले रहा हूं, जहां पे मैं वेट और मशीन 20 बार ही रहेगा, ठीक। तो यहां पे मैं आप लोगों को वेट देना चाहूंगा फ्लाई पे, दोनों बेंच में सेम वेट होगा, सीनियर का होने वाला है 15 से 17 किलो, इंटरमीडिएट 12 से 15 किलो, जूनियर 10 से 12 किलो, बिगनर आप भी 10 से 12 कोशिश करिएगा, नहीं परफॉर्म हो पाता है तो 7.5 से 10 ले लीजिएगा। और गर्ल्स का मैं भूल गया था बताना यार, वेट सॉरी, तो डंबल प्रेस में गर्ल्स आप लोग ले लेंगे 7.5 और 10 किलो डंबल प्रेस में, जो इससे पहले वाला राउंड था, मशीन आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। और यहाँ पे जो डंबल फ्लाई है, डंबल फ्लाई में बिगनर्स का बता दिया मैंने, अगर ज्यादा लगता है कम कर लीजिएगा, और फिर यहाँ पे गर्ल्स आप लोग डंबल फ्लाई 7.5 से 10 किलो में ट्राई करिएगा, और हो सके तो वेट को वाकई में बढ़ाने की कोशिश करिए, चाहे डंबल प्रेस हो या डंबल फ्लाई, मैं एक अंदाज दे रहा हूँ। क्योंकि देखो यार, सपोर्ट लेके जब आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड वेट का यूज करते हो तभी यार आपके मसल सही तरीके से फटते हैं, और जब उसके बाद आप उसमें कोई भी डाइट ऐड करते हो, जैसे नॉर्मल घर के डाइट हो गए या फिर सप्लीमेंट्स, तब यार वो अपना इफेक्ट दिखाने स्टार्ट करते हैं। इसलिए मैं डाइट से रिलेटेड यार वीडियो अभी अच्छे से बना इसलिए नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि यार मेरे घर में, सच बता रहा हूँ आप लोगों से, झूठ क्या कहना, मेरे घर में स्पेस नहीं है, मेरे यहाँ डॉगी है, मेरी मम्मी गौ माता की बहुत सेवा करती है, तो पूरा मेरा जो बैकग्राउंड है वो पूरा गौ माता और डॉगी लोगों से घिरा हुआ रहता है, जिसके कारण मैं एकदम अच्छे से कॉन्सेंट्रेटली अपना जो डाइट मील लेता हूँ उसे मैं आप लोगों के सामने अभी तक ला नहीं पा रहा हूँ। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे यहाँ थोड़ा सा अगर टाइम मिल जाए या स्पेस मिल जाए तो मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्दी डाइट का भी पूरा डिटेल वीडियो लेके आऊँगा, जैसे वर्कआउट का लेके आता हूँ, और आप लोगों को उससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, तो यहाँ पे हमारा गर्ल्स और बॉयज का वेट हो गया है, बट आप लोगों को यही ध्यान रखना है, पहले आप मशीन को लेंगे 20 बार, फिर डंबल फ्लाई नॉर्मल फ्लैट बेंच में लेंगे 13 बार, फिर डिक्लाइन मिलेंगे 13 बार, एक बार होगा, ऐसे ही आप इसके 2 सेट्स परफॉर्म कर लीजिएगा, और 2 सेट्स आपको इतना जबरदस्त रिजल्ट देंगे कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। यकीन ना हो तो यार अपने आप को बाकायदा ट्रैक करके ट्रेनिंग के बाद देखिएगा कैसा लगता है, क्योंकि यार जब तक आप अपने आप को ट्रैक नहीं करेंगे, ट्रेनिंग में कितनी भी अच्छी बनाओ, बट आपका भी तो ध्यान होना चाहिए ना, आपका भी मन होना चाहिए कि हाँ यार मेरे पास रिजल्ट आ रहा है, मेरी बॉडी इंप्रूव हो रही है। तो ये चीज़ आपको अपने अंदर पे लाना पड़ेगा और अपने आप के बारे में सोचना पड़ेगा कि हाँ मैं ट्रेन कर रहा हूँ तो मुझे इफेक्ट दिख रहा है, तब देखो यार कितना फास्ट आपका रिजल्ट आता है, क्योंकि यार हमारे माइंड पे ही सारी चीज़ डिपेंड करती है, हमारा वर्कआउट, हमारा डाइट, क्योंकि यार अगर अपना माइंड सही रख के हम कोई भी चीज़ करते हैं तो रिजल्ट फास्ट मिलता है। तो चलिए अब हमारे राउंड 3 की तरफ चलते हैं, ये भी हम बहुत ज़बरदस्त बनाने वाले। तो बट मैं आप लोगों को बता दूँ कि अब ये कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और कैसे परफॉर्म करेंगे। मैं यहाँ पे ऐसे अपने हिप्स को रख लूँगा नीचे ज़मीन पे, और ये मैंने डंबल पकड़ा एंड अप, और गर्दन को नहीं उठाऊंगा, ठीक है। तो ये आपको 13 बार परफॉर्म कर लेना है, और इसी के तुरंत बाद आपको यही फ्लैट बेंच में आना है, और फ्लैट बेंच में भी आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ऐसे हल्का सा नीचे की ओर अपने, मतलब बोले हिप्स को बाहर कर लेना है, और बेंच पे अपने चेस्ट को टिकाना है एंड अप। तो यार ये फॉर्मेट इसलिए दे रहा हूं मैं आप लोगों को कि परफेक्टली आप अपने चेस्ट को टारगेट कर पाए, क्योंकि जब बॉडी बाहर हो जाएगी आपकी तो ऑब्वियस है जब डंबल नीचे से ऊपर जाएगा तो एक अलग सा इफेक्ट दिखेगा आपको, करके देखिएगा समझ आएगा। बट हाँ, जिनसे नहीं हो पा रहा परफॉर्म वो यार सिंपली फ्लैट बेंच पे लेट जाए, ठीक है, इस तरीके से आप लेट गए नॉर्मल, और ये ऐसे भी ले सकते हैं, बट ऐसे लेंगे तो ज्यादा अच्छा इफेक्ट दिखेगा, आप परफॉर्म करके देखिएगा। तो यहाँ हमारा 2 वेरिएशन डंबल में होगा, फिर मशीन में हम क्या परफॉर्म करेंगे वो आपको दिखा दे रहा हूं। ये मैं मशीन में, दिख रहा है आप लोगों को, ये मैं अपने हाथ को खोलूंगा, बंद नहीं करूंगा, अपने हाथ को मैं अच्छे से आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये इस तरीके से मैं रख लूंगा बैंड करके, और एंड अप, सॉरी एंड राउंड, इस तरीके से मैं इसे ले लूंगा 20 बार, फिर यहां पे भी थोड़ा नीचे कर ही लेता हूं, परफेक्टली आपके लाइनर और चेस्ट के वॉल्यूम के लिए बहुत जबरदस्त है ये भी।
जिनके लाइंस अच्छे नहीं आ रहे वैसे करेंगे तो यार बहुत अच्छी लाइन और शेप बनने लग जाएगी और आपके चेस्ट के एरिया भी बहुत जल्दी फिक्स होने लग जाएंगे अगर ऐसे ट्रेनिंग करते हैं तो आप। तो यहाँ पे हमारा सेम उसी फॉर्मेट में परफॉर्म करना है जो इंक्लाइन डंबल प्रेस था वो 13 बार होगा, यहाँ पे 13 बार होगा, मशीन 20-20 बार होगा दोनों हाथ से, तो दोनों हाथ से 20-20 बार होगा। बट आप लोगों को इसको सेम उसी तरीके से परफॉर्म करना है जैसे बाकी योगी है, पहले आप वहां कर लेंगे फिर आप ये बेंच में आगे परफॉर्म करेंगे फिर आप ये मशीन ले लेंगे तब एक सेट होगा, ऐसे ही आपको फिर रिपीट वैसे ही करना है, दो सेट परफॉर्म कर लेना है। जहां पे वेट सीनियर का होने वाला है 15 से 17 किलो, इंटरमीडिएट का हो जाएगा 12 से 15 किलो, जूनियर का 10 से 12 किलो और बिगनर्स का 10 से 12 किलो। बिगनर्स आप ट्राई करिए, आप अप्रोच करिए अपने आप को, अप्रोच ही नहीं करेंगे तो वैसा मसल बिल्ट होगा नहीं, इसलिए किसी सपोर्टर का सपोर्ट लेके आप परफॉर्म करके देखिएगा। और गर्ल्स आप ले लीजिए 7.5 से 10 किलो, शायद आप लोगों के लिए भी ज़्यादा हो बट सपोर्ट में परफॉर्म कर सकते हैं आप लोग, तो हल्का फुल्का सपोर्ट लेके परफॉर्म करा करिए ताकि आपके प्रोग्रेसिव ओवरलोड को आप एक वॉल्यूम दे पाओ अपने मसल्स के लिए, क्योंकि जब तक आप अपने लोड्स को ओवर नहीं करोगे तब तक यार वो मसल्स में उतना इफेक्ट नहीं डाल पाता है, फिर मसल माइंड कनेक्शन एक्टिव रहते हुए यार कम वेट में भी रिजल्ट दिखता है, बट फास्ट रिजल्ट के लिए थोड़ा सा वेट बढ़ाना जरूरी पड़ता है। तो यहाँ हमारा ओवरऑल राउंड नहीं बोलूंगा क्योंकि यार यहाँ राउंड नहीं चल रहा है, दो दो सेट्स वाला ही है और ये दो सेट्स भी आप लोगों को बहुत फास्ट और बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगा और परफॉर्म करने में बहुत मजा भी आएगा। तो यहाँ पे अब हमारा डंबल का लास्ट सेगमेंट है जो आप सभी को पता है क्या दूंगा मैं, पुल ओवर होगा। तो पुल ओवर को बट आज परफॉर्म कैसे करना है ये आप लोगों को दिखा रहा हूँ और बहुत मजा आएगा इसे परफॉर्म करने में। फर्स्ट आप यहीं बेंच में अपने हिप्स को ऐसे बाहर रख लेंगे और बाहर रखते हुए इस तरीके से इसमें आप परफॉर्म कर लेंगे एंड फिर आप साइड बेंच में जैसे ही आपने परफॉर्म कर लिया फिर ये बेंच को डिक्लाइन रहने दीजिएगा और अब आप आ जाएंगे यहाँ पे इस तरीके से, तो आपको बहुत जबरदस्त इफेक्ट देगा। तो ये फिर आप इस तरीके से परफॉर्म कर लेंगे, दोनों ही 13-13 के 2 सेट्स होंगे और इसमें मशीन जो होगा और यहाँ पे जो मशीन होगा, अब मैं यहाँ बेंच में नहीं बैठूंगा, खड़े खड़े इस तरीके से इसे परफॉर्म करूंगा, ये खड़े खड़े लेना, तो ये फुल रेंज ऑफ मोशन आपका परफेक्टली बनेगा, ठीक है। बॉल को आपको ऐसा करके पकड़ लेना है और ये पूरा ऊपर तक लेके आना है एंड देन डाउन, ऊपर तक लाना है एंड देन डाउन। ये 20 बार है और दोनों डंबल आप लोगों का होने वाला है 13-13 बार। यहाँ पे हम जो पुल ओवर है, पुल ओवर में क्या वेट लेने वाले, सीनियर कोशिश करो 20-25 किलो लेने का, पुल ओवर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगा आपके लोअर चेस्ट के लाइन को शेप में लाने के लिए, लोअर चेस्ट के लाइंस और अच्छे होते हैं जितना अच्छा आप पुल ओवर को हैवी वेट में परफॉर्म करें। तो कोशिश करिएगा, अगर नहीं होता तो कम ज्यादा कर लीजिएगा सीनियर 20-25 किलो का और दोनों जगह पे वही वेट रखना है आपको 20-25 किलो। और इंटरमीडिएट का वेट होने वाला है 17-20 किलो, इंटरमीडिएट आप भी सपोर्ट में परफॉर्म करिए मगर करिए थोड़ा हैवी वेट 17-20 किलो कर लीजिए। फिर यहाँ पे आप लोगों का आ जाता है जूनियर का, तो जूनियर इंटरमीडिएट के बाद जूनियर का आएगा, तो जूनियर आप लेंगे इसे 15-17 किलो में दोनों जगह पे और बिगनर्स आप ले लेंगे इसे 12-15 किलो में, हो सके तो आप भी 15-17 ट्राई करिए अगर आपको सपोर्ट मिलता है तो। और गर्ल्स आप ले लेंगे 10-12 किलो या 12-15 किलो, जितना आप ज़्यादा इसमें वेट डालेंगे उतना अच्छा आपके चेस्ट के जो लाइनर्स है वो क्लियर विजिबल होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद ये मशीन को ही परफॉर्म करना है, तो और आपको मैं मशीन में सबको यही बात बोलना चाहूँगा कि यार 2-3 प्लेट्स में तो यार हर कोई परफॉर्म कर सकता है, कोशिश करो 20 बार 4-5 प्लेट में करने की, क्योंकि यार देखो मैं इतना इजी सेट्स और इतना इजी फॉर्मेट बना के दे रहा हूँ, अगर थोड़ा सा वेट इसमें ज़्यादा डालोगे ना मशीन में तो रिजल्ट अल्टीमेट दिखेगा आपको, यकीन नहीं है तो परफॉर्म करके देखिएगा 3 प्लेट में, जैसे 2 फ्रेंड है 3 प्लेट में करो और एक जन 4-5 प्लेट में ट्राई करो, कोशिश करो यार सपोर्ट लेके करो, क्योंकि जैसे जैसे आप उसमें लोड डालेंगे वैसे वैसे रिजल्ट दिखेगा, क्योंकि 2 सेट्स क्या इफेक्ट दिखा सकता है, तो 2 सेट तभी इफेक्ट दिखाएगा जब आप उसमें वेट का अप्रोच डालेंगे, वेट उसमें एक्स्ट्रा करेंगे, कोशिश करेंगे। तो इसमें आप कोशिश करिए, सपोर्ट लीजिए बट परफॉर्म करिए ताकि आप लोगों को भी यार रिजल्ट देखने मिल पाए। तो यहाँ पे हमारा ओवरऑल डंबल और मशीन का सेगमेंट पूरा क्लियर आउट होता है, बट अभी हमारा और भी अच्छा अच्छा वर्कआउट बचा हुआ है जो है बेंच प्रेस और यहाँ भी मशीन कुछ कुछ ऐड करने हैं,
बट एकदम हाई फाई मशीन ऐड नहीं करेंगे, मगर बहुत मजा आएगा परफॉर्म करने में। सभी को पता है कैसे परफॉर्म करना है और क्या परफॉर्म करना है, बट मैं फिर भी बताना चाहूंगा मेरे प्यारे भाइयों को, क्योंकि यार ज्यादातर आप लोग ग्रिप का भी मिस्टेक करते हैं, तो हमेशा लाइन पे यार अपने अंगूठे रख के नाप लीजिए एंड देन थोड़ा सा कमर उठा के चेस्ट के नीचे लाके इस तरीके से, इसे आप 10 बार परफॉर्म करेंगे बेंच प्रेस को। ये आपका बेंच प्रेस हो जाएगा 10 बार, तुरंत आप ऐसे डंबल को पकड़ लेंगे यहीं पे बैठ के, इसे आप 20 बार परफॉर्म करेंगे, जिसमें आप लोगों को कोई हाई फाई वेट नहीं लेना है। यहाँ पे सीनियर से लेकर इंटरमीडिएट 7.5 से 5 किलो का ही यूज करेंगे, ज्यादा वेट नहीं डालना है, ठीक है। और उसके बाद फिर प्लेट को आप इस तरीके से पकड़ लेंगे एंड देन पुश, ये आपने पकड़ लिया एंड देन पुश यहीं बैठे बैठे, तो ये आप लोगों का जो प्लेट वाला है वो 10 बार रहेगा, बेंच प्रेस 10 बार रहेगा और ये आप लोगों का 20 बार रहेगा। बट तीनों को परफॉर्म करेंगे तब एक सेट होगा, ऐसे ही आप इसके 2 सेट परफॉर्म कर लीजिएगा, जहां बेंच प्रेस में सीनियर का वेट 70 किलो, इंटरमीडिएट 60 किलो, जूनियर 50 kg 50 किलो और बिगनर आप ले लेंगे 40 से 35 kg और गर्ल्स आप ले लेंगे 25 से 30 kg। और यहाँ पे जो है 5 से 7.5 ही रखना है सबको, अपने हिसाब से ले लीजिएगा। और यहाँ जो प्लेट है, प्लेट में भी कोई हाई फाई वेट नहीं लेना, 5 किलो 7.5 किलो सफिशियंट रहेगा और इसे भी आपको 10 बार लेना है। ये तीनों को जब आप एक साथ मिला के जब ट्रेन करके देखेंगे ना अपने चेस्ट को यार, पोजिंग करके समझ जाएंगे क्या रिजल्ट है। तो ये तीनों को आप एक सेट हो गया, तीनों कंप्लीट करेंगे, फिर आप इसे रिपीट वैसी सेम कंप्लीट करना, बेंच प्रेस ले लिए, इसे ले लिए, इसे ले लिए, वेट भी मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया है। तो यहाँ बेंच प्रेस का भी सेगमेंट कंप्लीट होता है, अब चलते हैं इंक्लाइन बेंच। इंक्लाइन बेंच प्रेस भी यार बहुत मजा आएगा परफॉर्म करने में, देख लीजिए कैसे करना है। आप सभी को पता ही होगा यार इंक्लाइन बेंच प्रेस कैसे करते हैं, हम नॉर्मल ही रहने वाला है ये, इसे आपने 10 बार ले लिया, फिर आपने इसे रख दिया और रखने के तुरंत बाद यहां मैं 2 डंबल यूज करूंगा और 2 डंबल कैसे यूज करूंगा आप लोगों को दिखा दे रहा हूं, इस तरीके से करूंगा और ये यहां पूरा नीचे तक लाऊंगा एंड पुश, ये पूरा नीचे तक लाऊंगा एंड पुश, ये पूरा नीचे तक लाऊंगा और पुश, ये हो गया एक वेरिएशन। और यहीं पे फिर मैं ये डंबल को, जैसे प्लेट को मैंने पकड़ा था, सिर्फ डंबल को ही पकड़ूंगा और स्ट्रेट और ये स्ट्रेट और ये स्ट्रेट। तो यहां भी हम ये तीनों को एक साथ परफॉर्म करेंगे तब एक सेट होगा, ऐसे 2 सेट परफॉर्म कर लेना। जहां पे आप सबको इंक्लाइन बेंच प्रेस में कोई हाई फाई वेट नहीं लेना, क्योंकि यार ओवरऑल आपका चेस्ट पूरा भर चुका होगा इतने ट्रेनिंग में भी, इतने कम सेट्स में, इतने कम रेप्स में भी और इतने कम वेट में भी, बट परफॉर्म करना मत यार, हार मत मानना, क्योंकि भले आप लोगों को ज्यादा लगेगा मेरा एक अंदाज वेट तो आप कम ज्यादा कर लीजिएगा, मगर पूरा परफॉर्म करिएगा, क्योंकि कोई भी वर्कआउट बिना पूरा परफॉर्म किए अपना रिजल्ट वैसा नहीं दिखाता है। तो यहाँ पे आप इंक्लाइन बेंच प्रेस में अप्रॉक्स वेट ले लेंगे, सीनियर का होगा 60 kg, इंटरमीडिएट 50 kg, जूनियर 40 kg, यार ज्यादा हो जाएगा शायद, तो 60 kg सीनियर तो परफॉर्म कर लेंगे, इंटरमीडिएट 50 kg आप भी ले लेंगे, जूनियर मैं आपको 40 बोल रहा हूँ आप कम ज़्यादा कर लीजिएगा, और बिगनर्स आप भी 40 kg या 30 kg 35 kg के आसपास रखेंगे, बट सपोर्ट के साथ परफॉर्म करिएगा, क्योंकि देखो बिना सेफ्टी के अगर आप कोई भी चीज़ परफॉर्म करते हैं तो इंजरी होने के चांसेस रहते हैं, मैं हमेशा बताते आ रहा हूँ, बट अगर कोई सपोर्टर है, सपोर्टर के साथ आप थोड़ा वेट ऊपर नीचे भी कर लेते हैं तो फर्क नहीं पड़ने वाला, बट आपको बिगनर्स का हो गया, गर्ल्स का होना चाहिए 30 से 25 kg, 2.5 किलो या 5 किलो जो वहाँ बताया था मैंने आपको, बट आप लोग वेट ऊपर नीचे कर लीजिएगा, वेट का मेरा कोई वो नहीं है कि इतना ही लेना है, बट कोशिश करिए सपोर्ट में लीजिए, कैसे भी परफॉर्म करिए, क्योंकि यार 10 ही बार करना है और रिजल्ट भी देखना है चेस्ट का, अच्छा फिक्स करना है पूरे जो वीक पार्ट्स है हमारे चेस्ट में, कई जगह वीक है, मेरे भी चेस्ट में, आपके भी होंगे, तो अगर पूरा फिक्स करना चाहते हो चेस्ट को सही तरीके से, सेमेट्री लाना चाहते हो चेस्ट की, पूरा वर्कआउट परफॉर्म करना, तो ये आपने 10 बार लिया और ये जो बेंच है आप जो आपने डंबल मैंने आपको दिखाया, ये भी आप लोग को 20 बार लेना, बट कोई हाई फाई वेट नहीं लेना है। यहाँ सीनियर भी 7.5 से 5 ही लेंगे, इंटरमीडिएट भी 7.5 से 5, जूनियर भी 7.5 से 5, क्योंकि यार जैसे ये बेंच प्रेस परफॉर्म करोगे उसके बाद इसे परफॉर्म करोगे तो अपर चेस्ट आपका एकदम एक्सट्रीम लेवल में पंप करेगा, इसलिए इसमें वेट कम दे रहा हूँ, रेस्ट थोड़ा ज्यादा दे रहा हूँ, 20 बार ही है,
20 बार आप इसे परफॉर्म कर लेंगे, 5-7.5 ही रखना, सब अपने हिसाब से ले लेना। और यहाँ पे जो डंबल है यहाँ पे भी कोई हाई फाई वेट नहीं लेना, 5-7.5, मगर ये 10 बार रहेगा, 10 बार 20 बार 10 बार, तीनों को एक साथ परफॉर्म करेंगे तब एक सेट होगा। ऐसे ही आप लोग इसके दो सेट परफॉर्म कर लेना, यहाँ दो सेट्स कंप्लीट होते हैं, तीसरा सेट अब डिक्लाइन बेंच है, उसे भी आप थोड़ा सा यार गेम चेंज होने वाला है ट्रेनिंग का, इसलिए प्लीज अच्छे से जो नहीं देखे होंगे ना वीडियो वो समझ नहीं पाएंगे। फर्स्ट आप इसे परफॉर्म कर लिए, जो आप सभी को आता ही होगा मैं बता चुका हूँ कई वीडियो में, इसे आप 10 बार ले लिए। और जैसे आप इसे 10 बार ले लेंगे इसके तुरंत बाद आप यहाँ पे पैर निकालेंगे और यहाँ पे अपना ऐसे हाथ रखेंगे और इसे 20 बार लेंगे। अब सब यही सोच रहे होंगे यार भैया तो हार्ड कर दिया आखिरी में, भाई दो ही सेट है, अब इसको भी अगर हार्ड बोलोगे तो फिर काय का रिजल्ट नेचुरली कैसे बिल्ड करोगे। तो ये आपका दो वेरिएशन होगा, तीसरा मैं मशीन दे रहा हूँ जो आपको बहुत इजी और बहुत अच्छा लगेगा परफॉर्म करने। आप लोगों का ये बटरफ्लाई जो आपको बैठ के होल्ड एंड छोड़ देना, होल्ड एंड छोड़ देना, होल्ड एंड छोड़ देना। अब यहां मैं आप लोगों से यार वही टिप्स शेयर करने वाला हूं कि आप इसे परफॉर्म कैसे करेंगे। अब आप सबके माइंड में यही ख्याल आ रहा होगा तो जैसे बाकी वर्कआउट्स को किए वैसे परफॉर्म करना है, नहीं करना है यार, यहाँ आपका पूरा गेम चेंज हो जाता है। डिक्लाइन बेंच प्रेस आप 10-10 का दो सेट परफॉर्म कर लेंगे और जहां आपका डिक्लाइन बेंच प्रेस 10-10 का दो सेट कंप्लीट होता है फिर आप पुशअप को 20-20 का दो सेट परफॉर्म करेंगे, फिर यहाँ नीचे मशीन में आएंगे और मशीन को भी 20-20 का दो सेट परफॉर्म करेंगे, तब जाके आपका ये पूरा राउंड कंप्लीट होता है। बट इसमें आप वो गलती मत करना, पहले आपने पुशअप लिया, पहले आपने डिक्लाइन बेंच प्रेस लिया, फिर आपने पुशअप लिया, फिर बटरफ्लाई लिया, नहीं, यहाँ डिक्लाइन बेंच प्रेस को लगातार आप दो साइड परफॉर्म कर लेंगे 10-10 का, जहां पे वेट सबका यार इंक्लाइन बेंच प्रेस में जो बताया वही डिक्लाइन बेंच प्रेस में भी होगा, क्योंकि डिक्लाइन बेंच प्रेस कई जन को परफॉर्म करने में दिक्कत जाती है, इसलिए उसमें अगर आप वेट बढ़ा सकते हैं अच्छी बात है सपोर्ट लेके, वरना कोई बात नहीं। बट आप फिर आप आ जाते हैं यहाँ पे अपना पुशअप में, तो पुशअप में तो बहुत मजा आने वाला, दंड है पूरा ओवरऑल चेस्ट एकदम एक्सट्रीम लेवल में आपको पंप होके मिलेगा जब आप उसे परफॉर्म कर लेंगे। फिर वहाँ उसके बाद आप आ जाते हैं बटरफ्लाई में, जब फिर बटरफ्लाई को जब आप परफॉर्म करेंगे तब आपको बहुत दिक्कत जाएगी इसे परफॉर्म करने में, 20 बार करना है, कोशिश करिएगा ज़्यादा वेट लीजिए, कुछ सेकंड का होल्ड करके फिर छोड़ना, परफेक्ट लाइन और शेप आपके चेस्ट का दिखेगा, यकीन नहीं होगा तो बकायदा पोस्ट करके देखना, अपनी वीडियो बना के देखना, डाल के देखो यार ये जो आईने हैं ये जो लगे हुए रहते हैं जिम में ये यार फालतू में नहीं है, ये अगर आप अपने आप को इमेजिन नहीं करोगे ट्रेनिंग के दौरान पे ट्रेनिंग के बीच बीच में तो फिर आपको कैसे रिजल्ट मिलेगा, आपका माइंड ही आपकी बॉडी बना के देगा, यकीन मानो। बस आप लोग यार इसी तरीके सिंपल टिप्स और सिंपल वर्कआउट्स को परफॉर्म करके इजीली अपना नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर सपोर्ट मी एंड वॉचिंग मी, बाय।